आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी सक्रिय भूमिका में आ चुके हैं, साथ ही पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों को तय किया जा रहा है। इसी क्रम में निकाय चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय पर आज बड़ी बैठक बुलाई गई। बसपा की इस बैठक में 75 जिलों के अध्यक्षों के साथ विधानमंडल दल के नेता उमा शंकर सिंह और पूर्व मंत्री के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और तमाम अन्य बसपा के पुराने कैडर के नेताओं को पार्टी ने बैठक के लिए बुलाया था और लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें लंबे समय से उत्तर प्रदेश में बसपा मजबूत सियासत की जद्दोजहद में है। ऐसे में निकाय चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कहीं ना कहीं बसपा अब नई राजनीति और नई टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रही है। जिस तरह से बसपा ने बड़ी बैठक की, कहीं ना कहीं बसपा इस बात को लेकर आश्वस्त है कि बीएसपी अगर निकाय चुनाव में प्रदर्शन बेहतर करेगी और साथ ही 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को जिलास्तर पर भव्य तरीके से भी आयोजन के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने के लिए जन जन तक बताने के लिए दिशा निर्देश भी तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को दिए गए हैं। बहन जी का निर्देश सभी यहाँ पे जितने उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी आए थे, उन सभी लोगों ने मतलब उसको अपने संज्ञान में लिया है और सब लोगों ने माननीय बहन जी को भरोसा दिलाया है कि नगर निकाय के चुनाव में हम अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। उसके लिए बहन जी अलग अलग फिर कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके उन सीटों पर भी फाइनल करेंगी, जो सीटें मतलब आरक्षण जो घोषणा हो गया है। लेकिन अभी मान लीजिए 6 तारीख तक, क्योंकि आपत्ति का समय है और हो सकता है आपत्ति का निस्तारण 10 तक हो, तो 10 के बाद ही हम लोग अपनी वो जो सूची हैं उसका मतलब अंतिम रूप देंगे लगभग। लेकिन उस बीच हमारी जो सीटें हैं जिसपे आरक्षण पे हमें आपत्ति नहीं दाखिल करनी है, उन सीटों का हम उससे पहले फाइनल कर लेंगे। माननीय बहन जी ने इस तरह से निर्देश दिया है। निकाय चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक अहम बैठक की गई है। इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है, साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से जिलाध्यक्षों और उच्च पदाधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री मायावती समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने से जो जिलाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ उच्च पदाधिकारी हैं, वो निकाय चुनाव में बेहतर परिणाम की चाहत में यहाँ पार्टी कार्यालय हैं और यहाँ पार्टी कार्यालय पर उच्च पदाधिकारियों के द्वारा मूल मंत्र दिया गया। हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष हैं। सर, आज बैठक में आप लोग हिस्सा रहे हैं, किस रणनीति के तहत बैठक की गई है और क्या किस पर चर्चा की गई है? ये चर्चा माने बहन जी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर की गई है और रणनीति को तो हम नहीं बताएंगे कि किस रणनीति के तहत की गई है, लेकिन फोकस हम जो निकाय चुनाव को लेकर है। अगर बात की जाए तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा की तरफ से पहले ही कहा गया है कि हम एकला चलेंगे, यानी कि अकेले चलेंगे। कैसी स्थिति है आपके क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी की? अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में सीटें कम मिली लेकिन वोट परसेंटेज में कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला। जी देखिए, ये जो चुनाव अभी 2 महीने पीछे हुआ है ना, ये विरोधियों के लिए बहुत अच्छा हुआ है, उन्हें आराम से रेस्ट करने का मौका मिला है। ये चुनाव अभी और जितने 10-20 दिन लेट हो रहे हैं, विरोधियों के लिए आराम है, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा निकल के, तो इनकी नींदें उड़ जाएंगी। ये 2024 में ये जो तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं ना, ये उसमें इजाफा कर देंगे। बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोटर, जो इनका अपना मूल वोटर है, वो आज ही बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। अब जिस क्षेत्र से आते हैं उसे बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता है, अभी क्या स्थिति है? नहीं, बहुत जबरदस्त मजबूत स्थिति है, बहुत मजबूत स्थिति है। वो तो कुछ हमारे जो कैडर हैं, वोटों में क्या परिणाम होगा? निकाय चुनाव परिणाम में बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, आप देखेंगे कि चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे निकाय चुनाव में। बिल्कुल, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके मुताबिक क्या है। आज आप बैठक का हिस्सा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? हम सलेमपुर देवरिया पर आने वाले हैं। माननीय मुखिया जी का जो भी निर्णय होगा, सर्वोपर होगा, उनके हर निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। और ये देखा जाए तो सांसद हो या विधायक हो, लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की जमीन कही जाती है, अब कैसी स्थिति आप बदलेंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह करती है। अगर वो सरकार में बनी हुई तो केवल गुमराह करके, और एक्चुअली एक कहिए कि टारगेट ये बनाई हुआ है कि जैसे भी हो हम सत्ता में काबिज रहें।
तिगड़म करके सत्ता में काबिज रहना चाहती है और काबिज है उसी की वजह से, बाकी जमीन में कितने गुमराह क्यों करती है जी बिल्कुल, इसके अलावा कुछ भी नहीं जी। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आज की बैठक में क्या चर्चा की गई है। सर कहाँ से आए हैं आप और आज आप बैठक के हिस्सा रहे हैं? अगर देखा जाए तो आप एक आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से उच्च पदाधिकारी जिलाध्यक्ष आए हुए थे, किस रणनीति के तहत बैठक की गई है और क्या रणनीति तैयार की गई है? ये आपको ये पता है कि प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव नज़दीक आ गए हैं, तो उसी के तहत बहन जी ने आज मीटिंग का आयोजन रखा था। आप युवा है, अगर देखा जाए तो प्रदेश के अंदर में युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरी को लेकर, तमाम नियुक्तियों को लेकर, क्या मुद्दे के साथ इस बार निकाय चुनाव में आप लोग उतरेंगे? जी बहन जी, बिल्कुल बेरोजगारी और जितने भी सरकार के विफल जो कर रहे हैं उनके तहत उन्हीं मुद्दों को जनता के आगे रखेंगी और उसी के तहत आगे रणनीति बनाएंगी। जी बिल्कुल। तो हम इस वक्त बसपा कार्यालय पे थे जिनका, जहां साफ तौर से मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। यहां पदाधिकारियों जिलाध्यक्षों का कहना है कि निश्चित तौर पे निकाय चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, साथ ही आज की इस बैठक में बसपा की सुप्रीमो की तरफ से मूल मंत्र दिया गया है कि कैसे इस चुनाव को हम अपने पक्ष में करेंगे। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। जहां एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर बसपा की एक अहम बैठक देखने को मिली, तो वही राजधानी लखनऊ के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर आज निकाय चुनाव पर प्रदेश भर के पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई, साथ ही कांग्रेस पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि लखनऊ में 15 से 25 अप्रैल तक कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह अभियान की शुरुआत होने जा रही है। को जय भारत सत्याग्रह अभियान पर राजधानी में बड़ा आंदोलन भी होगा और गांव से लेकर प्रदेश की राजधानी तक यह अभियान चलेगा। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने बैठक और आगामी कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी की सदस्यता क्यों खत्म की, उसके लिए हमने 15 से 25 तक हर जिला मुख्यालय पर 15-25 हजार लोगों को इकट्ठा करके बड़ी रैली करके जाकर के उन्हें यह बताना है कि आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो किन कारणों से समाप्त हुई जी, वो हम गांव गली और मोहल्ले तक चर्चा कराना चाहिए। एक तो वो, दूसरा ये था कि 29 तारीख को हमने तय किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा करके इस जय भारत सत्याग्रह का एक रैली का बृहद रूप दे करके लोगों तक ये बात पहुंचाएं, प्रदेश भर के लोगों के पास तक आपके माध्यम से, अपने माध्यम से, भाषण के माध्यम से, कि आखिरकार राहुल गांधी जी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जो उन्होंने सदस्यता रद्द कर दी। वहीं यूपी में निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद प्रदेश सरकार ने नगर निकाय की सीटों पर आरक्षण की घोषणा कर दी है। ऐसे में सूबे के सभी राजनीतिक दल निकाय चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। इसके अलावा सभी दल अपने संगठन की बैठक कर निकाय चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए ये बताया कि निकाय चुनाव के लिए अपना दल एस की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। इस दौरान और उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। आगामी निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं और सभी पार्टियां संगठन की लगातार बैठक करके अपने संगठन का विस्तार भी कर रही हैं। इसी कड़ी में इस समय हम अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष के साथ हैं, जानेंगे कि क्या कुछ रणनीति अपना दल जो है वो बना रही है आगामी निकाय चुनाव और आम लोकसभा चुनाव के लिए। सर क्या तैयारी है निकाय चुनाव के लिए अपना दल की? देखिए, अपना दल की लगातार तैयारी चल रही है, पहले से भी चल रही थी। चुनाव थोड़ा सा ब्रेक हो जाने के बाद अब कोर्ट का फैसला हो चुका है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और जो हमारे सहयोगी दल हैं उनसे बैठ करके वार्ता होने वाली है। हम लोग मिल करके जिस तरह से गठबंधन में उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश की सरकार को चला रहे हैं, उसी तरह यहाँ भी नगर निकाय चुनाव भी हम लोग मिलकर ही लड़ेंगे। जिस प्रकार से देखा जाए कि भाजपा समेत तमाम जितनी भी पार्टियाँ हैं वो सभी जो है लगातार बैठक कर रही हैं, कांग्रेस की भी बैठक आज निकाय चुनाव के लिए है, बसपा आज बैठक कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कई बार बैठक कर चुकी है, सपा कई बार बैठक कर चुकी है, तो कितनी बैठकें अपना दल ने इस रणनीति के साथ की है निकाय चुनाव और आम लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, इस कार्यक्रम से पहले जब ब्रेक हुआ चुनाव, उसके पहले हमारी पार्टी ने पूरे
जनपदों में अपने सम्मेलन भी किए हैं और कार्यक्रम तय किए, तो चार चार बार बैठके हुई हैं। आज भी हम लोग संभावित बैठक 4-5 बजे के बाद हमारी भी राष्ट्रीय कमेटी बैठक करेगी और उसके बाद जो भी निर्णय होगा नगर निकाय चुनाव पर। और हमारे यहाँ सबसे पहले बता दें कि हमारे यहाँ 2 उपचुनाव हैं विधानसभा के, 1 स्वार विधानसभा है और 96 सुरक्षित, दोनों पर हमारे दल के लोग लड़ रहे हैं। हमारी सीट रही है और हमारी उस पर भी तैयारी लगी हुई है। और उसके बाद लोकसभा, तो हमारी नेता ने कह दिया है लोकसभा की तैयारी पूरी तरह से हम लोग 24 घंटे 2024 को 24 घंटे मान करके तैयारी कर रहे हैं। और रही नगर निकाय की चुनाव की तैयारी, पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं चुनाव को और हम पूरी कोशिश हमारी है कि हम लोग अपने मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर किन्हीं परिस्थितियों में कोई ऐसी दिक्कत आई तो हम लोग अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक तरफ आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, केंद्र से लेकर राज्य तक आप उनके साथ लगातार बने हुए हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में भी आप उनके साथ बने रहेंगे। वहीं पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही हैं और लोकतंत्र की हत्या करने की बात जो है वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करती है, विपक्ष की आवाज़ को दबाती है। क्या कुछ कहना है आपको इस पर? देखिए, उनकी अपनी प्रतिक्रिया है, वो कुछ भी व्यक्त कर सकती हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। हम लोग मिलकर ही चुनाव नगर निकाय का भी लड़ेंगे, आगामी 2024 का चुनाव भी। हम अपनी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हम लोग नगर निकाय भी चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा का भी लड़ेंगे और जो उपचुनाव होने जा रहा है स्वार में भी और 96 सुरक्षित में भी हम दमदारी के साथ हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। एक मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है इस समय, राहुल गांधी पे जो कार्रवाई हुई है, सदस्यता रद्द हुई है, उसके बाद बंगला खाली करने का नोटिस आ गया है। लगातार जो है कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं इस कार्रवाई को अनुचित बता रही हैं और कह रहे हैं कि थोड़ा समय उनको मिलना चाहिए था। क्या कुछ कहना है, क्या स्टैंड है अपना दल का इस पे? देखिए, जब सरकार ने हमारे, चाहे केंद्र की रही हो चाहे प्रदेश की, आपने देखा होगा चाहे मेरी पार्टी का विधायक रहा हो चाहे जिस पार्टी का, जिसने गलत अगर किया है तो उसके साथ जो है कोर्ट ने जो फैसला दिया हमारी सरकार ने उसको अच्छरसा सम्मान किया है और वो भी कोर्ट का पालन है, उन्हें भी करना। दल के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगामी निकाय चुनाव के लिए उनकी रणनीति तैयार है और वो केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। ये गठबंधन आने वाले समय में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा और आगामी लोकसभा चुनाव से लेके जो उपचुनाव विधानसभा में होने वाले हैं 96 और स्वार सीट के लिए, उसमें भी अपने प्रत्याशी अपना दल उतारे की। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ में विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। आगामी निकाय चुनाव के तो निकाय चुनावों की तारीखों की भले ही अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो है वो लोगों को रिझाने में, अपनी रणनीति को तैयार करने में लगातार बैठकें कर रहे हैं। जहां एक तरफ बसपा और कांग्रेस की आज एक अहम बैठक हुई, तो वही अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो वो अकेले भी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।